अयोध्या जनपद के थाना इनायतनगर क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का खुलासा। एसएसपी राजकरण घेर ने किया खुलासा। पत्नी ने अपने भाई के साथ मिलकर पति की रची थी हत्या की साजिश। मृतक का साला व उसके दो मित्र गिरफ्तार, पत्नी फरार। साले और बहनोई ने मिलकर ली थी ट्रक। ट्रक की ईएमआई के फाइनेंस के रुपये व ट्रक को हड़पने के लिए साले ने रची थी साजिश। साजिश में पति की हत्या के लिए पत्नी भी हुई शामिल। हत्या के लिए दो मित्रों को भी किया शामिल। गोली मारकर की हत्या, शव को कार में रखकर। थाना इनायतनगर के किसान इंटर कॉलेज के पास झारी में था फेंका। साला रिंकू यादव व उसके दोनों मित्र गिरफ्तार। हत्या में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कार बरामद। थाना पूरा कलंदर के जिलौदीपुर भदोखर में है। मृतक की ससुराल। देखिए, थाना क्षेत्र इनायतनगर में दिनांक 29/7/2024 को एक अज्ञात शव बरामद हुआ था, जो कि झाड़ी में बरामद हुआ था। सूचना मिलते ही तत्काल फील्ड यूनिट व सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके का मुआयना किया गया था, जिसमें जो शव बरामद हुआ था उसकी पहचान ब्रिजेश यादव जी के नाम से हुई थी। इसके संबंध में अग्रिम हमारी विश्लेषणात्मक कार्रवाई जब प्रचलित हुई तो उसमें यह पाया गया कि घटनास्थल का पहले प्रथम मुआयना करते हुए यह प्रतीत हो रहा था कि जो घटना है उसको उस जगह पर नहीं किया गया और शव को बाद में वहाँ पर फेंका गया है, जिसके क्रम में व्यक्ति की पहचान ना हो सके और शव को वहाँ फेंक करके अन्य कहीं गाड़ी को लेकर के जाया गया। इस संबंध में पूछताछ करते हुए थाना क्षेत्र इनायतनगर पुलिस व जनपदीय स्वाट टीम को इसमें सफलता हासिल हुई है और घटना में संलिप्त तीन मुख्य अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनको अरेस्ट करके न्यायिक हिरासत ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। इसमें बताना चाहेंगे कि जो मृतक है श्री ब्रिजेश यादव जी, उन्हीं का साला रिंकू यादव इसमें मुख्य अभियुक्त है, जिसने हत्या की साजिश रची थी, और उनके साथ अभिषेक यादव व सचिन यादव इसमें इन्वॉल्व थे। इसमें जो मुख्य अभी तक उनके द्वारा उद्देश्य बताया गया है वह ब्रिजेश यादव के नाम पर रिंकू यादव, ब्रिजेश यादव के द्वारा मिल करके दो ट्रक लिए गए थे जिनका बीमा करवाया गया था और बीमा सुरक्षा जो जिनका ईएमआई करवाई गई थी, लोन लिया गया था और इस लोन की जो ईएमआई जारी थी उसका एक बीमा करवाया गया था, जिसके क्रम में इनके द्वारा साजिश रची गई कि ब्रिजेश यादव को मार करके वह दोनों ट्रकों के माध्यम से इनको आगे ईएमआई भी नहीं देनी पड़ेगी और उससे ये अपना आगे का व्यवसाय कर पाएंगे। इसमें इनके साथ सम्मिलित दो अन्य लोग जो गाड़ी में मौजूद थे, अभिषेक व सचिन, उनको भी हिरासत में ले लिया गया। जिस गाड़ी में हत्या की गई थी और जिस गाड़ी के माध्यम से शव को थाना क्षेत्र इनायतनगर में फेंका गया था, वह गाड़ी भी रिकवर कर ली गई है। जिस असले का प्रयोग किया गया था घटने में, वह असला भी रिकवर कर लिया गया है। इसमें अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी जानकारी होगी आपको अग्रिम आप अवगत करवाया जाएगा। अयोध्या उत्तर प्रदेश से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।